नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ वंचिता शर्मा। वक्त हो गया है खबरें फटाफट का, आइए शुरू करते हैं। पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा पर रद्द होने के मंडराए बादल, 5 आरोपी गिरफ्तार। अंब में हुई किशोरी की हत्या मामले पर बोले सीएम, मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाए जाने को लेकर विधि विभाग की राय ले रही सरकार। ऊना में हुआ बड़ा एक्सीडेंट, ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा, 12 मजदूर जख्मी। होशियारपुर में महिला ने बस चालक और कंडक्टर से की गाली गलौज, बस स्टैंड पर हंगामा। कांगड़ा में कार में अचानक लग गई आग, बाल बाल बचे सवार। किन्नौर जिला हुआ कोरोना मुक्त, डीसी किन्नौर का लोगों से कोविड नियमों का पालन करने का आग्रह। ऊना में अग्निकांड का शिकार हुए प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए आई पीर निगाह मंदिर कमेटी, 100 प्रवासी मजदूरों के परिवारों को बांटी खाद्य सामग्री। पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे पर भाली में टकराई गाड़ियां, लगा लंबा जाम, 3 कारों को नुकसान। इंदौरा में सीएम को काले झंडे दिखाने जा रहे थे पूर्व युवा कांग्रेस अध्यक्ष, पुलिस ने किया गिरफ्तार। अंब के भैरा में कार की टक्कर से 7 वर्षीय मासूम की मौत, कार चालक मौके से फरार। परागपुर की चुधरेड़ पंचायत में किसानों ने मजबूरी में छोड़ी खेती, किसानों की ईंट के भट्ठे की वजह कई कनाल भूमि हुई बंजर। गोपालपुर में आवारा मवेशियों से किसान और वाहन चालक हुए परेशान, मवेशियों के कारण हो रहे हादसे। सहारा योजना की राशि अब सीधे जाएगी आपके खाते में, ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू, ओरिजिनल दस्तावेज ही करें अपलोड। इंदौरा पहुंचे सीएम, विधायक रीता धीमान ने गुर्ज व काठगढ़ महादेव की प्रतिमा देकर किया सम्मानित। भाजपा में बैठकों का दौर जारी, आज बीजेपी चक्कर कार्यालय में अनुसूचित जाति मोर्चा की हुई बैठक, संगठन को मजबूत बनाने पर चर्चा। सलोनी में स्वास्थ्य मेले का आयोजन, आयुष्मान कार्ड, हिमकेयर कार्ड और सहारा योजना के लिए लोगों को किया पंजीकृत। रिकांगपियो में खुली क्रिकेट अकादमी, पूर्व विधायक तेजवंत नेगी ने किया शुभारंभ। बेसहारा व अनाथ बच्चों का प्रशासन बना सहारा, संबल योजना के तहत 83 बच्चों को मिलेगी उच्च शिक्षा। धर्मशाला के बगली में दुकान तक जा पहुंची, जंगल में लगी आग, बड़ी अनहोनी टली। बिलासपुर में मातृ एवं शिशु अस्पताल का सिविल वर्क पूरा, स्वास्थ्य उपकरण पहुंचना शुरू। दर्शकों, खबरें फटाफट में आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।